हेलो मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन हब चैनल में। आज है 15 सितंबर। चलिए देखते हैं बिहार के सभी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और भी के बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, साथ देखेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी सभी छुटपुरी खबरें एक नज़र। दोस्तों आज के सबसे पहले भी पढ़ने के लिए देख पा रहे शिक्षक भर्ती छठे चरण में काउंसलिंग के शेड्यूल दोस्तों बहुत जल्द घोषित होगी। जहाँ काउंसलिंग नहीं हो सकी दोस्तों वहाँ होगी 32714 देख पा रहे शिक्षक बहाली के लिए। एक बार फिर से काउंसलिंग का शेड्यूल इसी सप्ताह जारी किया जाएगा। 2019 से चल रही है छठे चरण की प्रक्रिया। वही देख पा रहे अगले मिनट राजकीय पॉलिटेक्निक और महिला पॉलिटेक्निक में देख पा रहे व्याख्याता के पदों पर बहाली के लिए परीक्षा 27 सितंबर को होगी। उसी साथ दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पे 55 CDPO बहाली के लिए प्रारंभिक परीक्षा में 883 अभ्यर्थी सफल हुए। बीपीएससी ने दोस्तों पर दोस्तों रिजल्ट इसका घोषित किया। परीक्षा अक्टूबर के अंत में देख पा रहे मुख्य परीक्षा अक्टूबर के अंत में संभावित है। सफल अभ्यर्थी में अनारक्षित कोटि के 336 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 112 अभ्यर्थी। दोस्तों अगली बार पढ़ने के लिए यहाँ पर देख पा रहे IIT पटना में ओपनिंग रैंक में होगा सुधार। 1000 से 12000 रैंक वालों का होगा नामांकन। 582 नए छात्रों का होगा IIT पटना में नामांकन। उधर देख पा दोस्तों एक और अगली अपडेट देख पा रहे हैं पे IIT NIT और सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन यहां पर शुरू हो गया। देख पा 27 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चलेगी। अब बात करेंगे 18 सितंबर को मॉक सीट एलोकेशन देख पा रहे हो सही छात्र छात्राओं द्वारा किया जा सकेगा। 20 सितंबर को छात्र छात्र अपने च्वाइस को लॉक करेंगे। दोस्तों अगली बार देख पा रहे GDU वुमेंस कॉलेज, GDU वुमेंस कॉलेज में इस तरह से देख पा रहे उर्दू संगीत विज्ञान में मास्टर्स की पढ़ाई होगी शुरू। सभी विषयों में 30-30 सीटों पर नामांकन हुआ। दोस्तों अगली बार देख पा रहे पटना यूनिवर्सिटी से, पटना यूनिवर्सिटी में स्नातक सेकेंड ईयर छात्रों ने की रिजल्ट में गड़बड़ी की शिकायत। परीक्षा नियंत्रक से कहा जल्दी के चक्कर में एवरेज मार्क्स दिया गया। वही दोस्तों दूसरी तरफ बात करेंगे पाटलिपुत्र पटना तरफ से कि इन कॉलेज के देख पा रहे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन देख पा रहे में BEd 22 से 2024 का सत्र दोस्तों पारे प्रारंभ हुआ। दोस्तों देख पा रहे अगली बार बिहार बोर्ड की तरफ से बिहार बोर्ड का देख पा रहे DEd पाठ्यक्रम सत्र 22 से 2024 देख में नामांकन हेतु रामचरण सिंह ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर देख पा रहे कोड 8105 पर दिनांक 14 सितंबर से 20 सितंबर तक जो ऑनलाइन विधि से आयोजित होने वाली DEd संयुक्त प्रवेश परीक्षा के संबंध में दोस्तों नोटिस आई है। दोस्तों पढ़ने के यहाँ पर मिल जा रही है कि पर सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा दिनांक 20 सितंबर को द्वितीय पाली 12 से 2:30 बजे तक में संशोधित परीक्षा केंद्र पर ही होगी। उधर उसको देख पा रहे हैं यहाँ पे BPSC दोस्तों अपडेट की लिखित वास्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा का कार्यक्रम दोस्तों आ गया। देख पा रहे हैं आपके पैसे देखने को मिल रहा है परीक्षा की तिथि 27 सितंबर को है 12 से 2 बजे। दोस्तों अगली बार देख पा रहे हो यहाँ पे बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की बहुत बड़ी अपडेट दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन आप सभी 9 अक्टूबर तक कर सकते हैं। देख पा रहे यहाँ पर आपको पढ़ने को जा रही है यहाँ पर 10 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू है 22 से 23 सेशन के लिए। दोस्तों अगली बार देख पा रहे हो तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से कि VV में स्नातक पार्ट 1 के 3 सत्रों के 1 लाख से ज़्यादा छात्र बिहार है। 32,000 छात्रों का रिजल्ट नहीं, 40,000 की नहीं ली गई परीक्षा। दोस्तों अगली बार देख पा रहे JP यूनिवर्सिटी छपा तरफ से अपडेट की देख पा रहे यहाँ पे स्नातक फाइनल ईयर 17-18 से 21 की परीक्षा देख पा रहे यहाँ पे अभी भी अधर में लटकी हुई है। देख पा दोस्तों यहाँ पे आज से शुरू होने वाली स्नातक फाइनल ईयर की परीक्षा दोस्तों फिर से स्थगित कर दी गई। दोस्तों अगली बार देख पा रहे कैबिनेट के फैसले यहाँ पर आई शिक्षा के क्षेत्र में 1176 नई नौकरियां पर मुहर लगी। दोस्तों अगली बार देख पा रहे पाटलिपुत्र पटना तरफ से अपडेट की मिशन एडमिशन विश्वविद्यालय के रेगुलर वोकेशनल देख पा रहे कोर्स में नामांकन ले सकेंगे छात्र। दोस्तों UG के बात कर रहे हैं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के स्नातक में 3rd राउंड नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई। स्पॉट राउंड दोस्तों यहाँ पर 16 से शुरू है 22 से 25 के सेशन में। दोस्तों वही बात करके बता दें आपको पाटलिपुत्र पटना तरफ से दूसरे बड़े की PG के दोस्तों रेगुलर और वोकेशनल कोर्स में दोस्तों नामांकन प्रक्रिया भी चल रही है। दोस्तों अगली बार देख पा रहे BPSC की तरफ से कि राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 208 पदों पर सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति होगी। दोस्तों अगली बार देख पा रहे यहाँ पे 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BEd में नामांकन के लिए काउंसलिंग 19 से 23 सितंबर तक होगी। BEd में नामांकन के लिए काउंसलिंग 19 से शुरू, सीटें रिक्त रहने पर द्वितीय चरण की ऑफलाइन काउंसलिंग 27 से 28 को। दोस्तों अगली बार देख पा रहे यहाँ पे तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के VC प्रोफेसर जवाहरलाल को मगध यूनिवर्सिटी के VC का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। राजभवन ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी की। राजभवन ने हालांकि प्रोफेसर लाल को मगध यूनिवर्सिटी के प्रभार में रहते हुए वहाँ के लिए कि कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं लेने का निर्देश दिया है। उधर बात करेंगे अल्पसंख्यक देख पा रहे कल्याण विभाग व मौलाना मजहर अरबीन फारसी विश्वविद्यालय के संयुक्त देख पा रहे यहाँ पे BTET CTT और देख पा रहे UGC GRF देख पा तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग के लिए 25 तक आवेदन। दोस्तों अगली बार देख पा रहे वीर को यूनिवर्सिटी आरा तरफ से अपडेट कैलरवी सेमेस्टर 2 में नामांकन एवं परीक्षा की संबंधित सूचना VKSU ने महाराजा लॉ कॉलेज को सशर्त नामांकन के लिए दी अनुमति। वही बात करें दोस्तों नामांकन के लिए कॉलेज जल्द जारी करेगा अधिसूचना।
दोस्तों अगली बड़ी देख पा रहे हैं यहाँ पे बीएड बिहार यूनिवर्सिटी के दोस्तों अगली अपडेट की स्नातक देख पा रहे हैं यहाँ पे पार्ट वन के रिजल्ट में गड़बड़ी, कई को एक से दो नंबर से किया गया फेल। देख पा रहे ये क्या हो गया दोस्तों, बिहार छात्र संघ ने कहा कि सैकड़ों छात्रों का रिजल्ट दोस्तों पेंडिंग में है, कहीं को एक से दो नंबर से फेल कर दिया गया। देख पा रहे यहाँ पर दोस्तों 20 से 23 सेशन में छात्रों का रिजल्ट अभी कुछ कुछ पेंडिंग में भी है। दोस्तों अगली बार देख पा रहे यहाँ पे इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से अगली अपडेट यूजी पीजी देख पर क्वेश्चन नामांकन की तिथि बढ़ा दी गई, ऑफलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आप 22 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगली बार देख पा रहे यहाँ पर मुंगेर यूनिवर्सिटी से अगली अपडेट, वी प्रशासन ने बीए का नामांकन शुल्क 1600 रुपये किया निर्धारित। वही दोस्तों बात करेंगे मुंगेर यूनिवर्सिटी की, तो अगली अपडेट के स्नातक पार्ट वन सत्र 22 से 25 में अब तक हुआ 7814 नामांकन, 15 तक चलेगी दोस्तों प्रक्रिया। वोकेशनल कोर्स के बीसीए में हुआ केवल 7 नामांकन और बीबीए बायोटेक में 0 नामांकन। साथ ही पार्ट वन देख पा रहे शैक्षणिक सत्र 22 से 25 में अब तक 7814 विद्यार्थी ने नामांकन लिया, नामांकन की अंतिम तिथि 15 है निर्धारित। वही दोस्तों अगली बार पुणे यूनिवर्सिटी से पुणे यूनिवर्सिटी के पार्ट टू में देख पा रहे 1378 छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग। दोस्तों अगली बार देख पा रहे यहाँ पे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स इन तरफ साइंस की तरफ से दोस्तों देख पा पटना में बीकॉम स्वयं देख पा रहे वित्त पोषित कोर्स में एडमिशन लेने की डेट बढ़ा दी गई 30 सितंबर तक। वही प्रधानाचार्य प्रोफेसर इंद्रजीत प्रसाद ने बताया कि नामांकन के इच्छुक छात्र छात्राएं कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर नामांकन कर सकते हैं। वही दोस्तों अगली बार देख पा रहे बीपीएससी की तरफ से यहाँ पर पढ़ पा रहे हो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए सफल उम्मीदवारों की परीक्षाफल का प्रकाशन कर दिया गया। दोस्तों अगली बार देख पा रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्नातक कार्यक्रमों में दाखिले के लिए देख पा रहे यहाँ पर सीट आवंटन प्रणाली पोर्टल पर 34,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया। दोस्तों अगली बार देख पा रहे हो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से अगली अपडेट के साथ 22 से 23 में एडमिशन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 सितंबर तक बढ़ा दी गई। भूगोल के अंतर्गत एम ए एम एस सी के लिए 50 सीटों पर एडमिशन होगा। उधर स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में एम ए इन जर्नलिज्म ऑफ मास कम्युनिकेशन की 30 सीटों पर एडमिशन होना है। सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी में एम टेक में 20 सीटों पर एडमिशन होगा। वही सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी में पी एच डी में एडमिशन के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों कुछ जॉब अलर्ट, सिविल कोर्ट में क्लर्क देख पा रहे स्टूडेंट की भर्ती यहाँ पर देख पा रहे क्लर्क का 3325, पोस्ट आई स्टेनोग्राफर का 1562 और कोर्ट रीडर देख पा रहे कम डिपोजिशन राइटर का 1132 और चपरासी का 1673 देख पा रहे पोस्ट पर भर्ती। टोटल 7692 पोस्ट नोटिफिकेशन जारी, 20 अक्टूबर तक दोस्तों लास्ट डेट है यहाँ पर सिविल कोर्ट क्लर्क देख पा रहे के लिए अप्लाई कर सकते हो। उधर बात करेंगे दोस्तों डिप्टी डायरेक्टर साइंटिस्ट एवं अन्य देख पा रहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन देख पा रहे 54 पोस्ट है, आप 29 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हो। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से चिकित्सा विशेषज्ञ के लिए 422 पोस्ट है जिसके लिए 15 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों देख पा रहे हेड कांस्टेबल सीमा सुरक्षा बल देख पा रहे टोटल 1312 पोस्ट है जिसके लिए आप सभी 19 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों एडमिशन स्टार्ट है पाटलिपुत्र पटना तरफ से पीजी के वोकेशनल कोर्स में। दोस्तों रेगुलर कोर्स में किस प्रकार अप्लाई करोगी क्या है नाम प्रक्रिया जाने के लिए इस वीडियो को चेक कराना भूलना, ये वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। दोस्तों अभी भी देख पा रहे पार्टी से पढ़ा से अगली अपडेट आई जाती है, वैसे सूचना की पीजी के रेगुलर वोकेशन सत्र 22 से 24 में नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों अभी महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि अपरी कारणों से ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि दोस्तों 24 सितंबर तक बढ़ा दी जाती है। दोस्तों एक बार देख पा रहे जयप्रकाश विश्वविद्यालय की तरफ से अपडेट की 20 सितंबर तक स्नातक सत्र 22 से 25 में देख पा रहे बीए बीएससी बीकॉम के विषय में नामांकन के लिए अप्लाई कर सकते हो। 36,000 सीटों पर नामांकन के लिए जारी कर दी गई सीट सूची। दोस्तों ये थी आज की कुछ एजुकेशन अपडेट्स। वीडियो पर वीडियो को लाइक करें, इस तरह का अपडेट डेली पाने के लिए आपने जो सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो इतना ही, मिलते अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद वंदे मातरम।